हेलो गाइस, शुरू कीजिए ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ। हमारे अंडर ओपन करें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और आपको मिलेगी हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की फ्री मेंबरशिप और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी। उसके लिए आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है। तो एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ट्रायल्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करें। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली लास्ट सेशन में, लेकिन फिर से जो गिरावट आई थी उसको ऑलमोस्ट रिकवर किया है लास्ट हाफ एन आवर में। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू कर दें। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,164 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 15,077। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास ही ओपन हुआ और कुछ ही मिनटों ने इसने सेकेंड टारगेट फर्स्ट टारगेट दोनों भी अचीव कर लिए। एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से बाउंस बैक हुआ और कुछ समय ये एक जिगजैग मूव दिखा रहा था। ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करने के बाद ये फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट के पास यहाँ से सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, कंटिन्यूस सपोर्ट टेस्ट कर रहा था हमारे फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट के पास। और जैसे ही सेकेंड टारगेट को भी इसने ब्रेक कर दिया, एक ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि ये जो गिरावट थी ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फिर से रिकवर हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये है कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। अभी मंडे के लिए यानी 22 फरवरी के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। वीक खत्म हो चुका है तो वीकली चार्ट को भी सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। अगर लास्ट फ्राइडे का आपने वीडियो देखा होगा उसमें हमने एनालिसिस किया था वीकली चार्ट को। वीकली चार्ट में डाइवर्जेंस को हमने आइडेंटिफाई किया था। ये यहाँ से प्राइस एक्शन में स्विंग हाई बनने के बाद ये जो बजट का कैंडल था ये जब बना था तभी इसने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया था और इसके ऊपर प्राइस एक्शन में हमें मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन अगर नीचे आरएसआई में देखें तो ये जो स्विंग हाई बना था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो आरएसआई में लोअर हाइज बन रहे थे हालांकि प्राइस एक्शन में हायर हाइज बन रहे थे। तो ये निगेटिव डाइवर्जेंस था, यानी बुल्स का यहाँ पर स्ट्रेंथ कम हो चुका है, ये साफ तौर पर हमें इस डाइवर्जेंस से पता चल रहा था। तो आज जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी वीकली चार्ट में एक बियरिश कैंडल स्टिक यहाँ पर बना हुआ है। अगर हम डेली चार्ट को देखें तो यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था कि अगर करेक्शन आता है तो सपोर्ट लेवल्स कहाँ पर बन सकते हैं। तो 23.6% का लेवल के आसपास ही आज क्लोज हुआ है। इसको ब्रेक करके ये जो फॉल आया था ऑलमोस्ट 20 EMA तक आ चुका था। 20 EMA अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, 20 EMA को अगर ब्रेक करता है तो और भी टूअर्ड साउथ की तरफ हमें निफ्टी में मोमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में चार्ट देखें तो क्या पैटर्न्स बन रहे, क्या यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के कुछ पैटर्न्स बन रहे ये हमको पता चल सकता है। तो मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 60 मिनट के चार्ट पर हमें जाना होगा। तो ये 60 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। अगर लास्ट दो कैंडल देखें तो यहाँ पर बुलिश हरामी जैसा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो अगर इस कैंडल का लो यानी जहाँ से ये बाउंस बैक दिखाया आज पूरा ये कैंडल को रिकवर कर दिया इसने, तो 14,898 के नीचे अगर सस्टेन करता है मंडे को तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,871। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,846। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो लेवल है ये बुलिश हरामी जैसा पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक स्विंग लो बना है जिसने सपोर्ट का काम किया था पास्ट में, वो जाके आगे जाके रेजिस्टेंस का काम कर सकता है।
तो इस लेवल के ऊपर यानी अराउंड 15,030 के ऊपर अगर सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,048, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,068, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा मंडे के लिए। तो ये निफ्टी के लेवल्स है। बैंक निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार डेली चार्ट को देखते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हुआ था पास्ट में, ये दोजी का हाई और इस दोजी का लो, इस रेंज के बीच में ये 5 दिन कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा था, और ब्रेकआउट मिलने के बाद ऊपर टॉप मोस्ट लेवल अनचार्टेड टेरिटरी है ये, यहाँ से हमें फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें तो एग्जैक्ट 23.6% का लेवल आज एज ए सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट हो चुका है। तो अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है अर्ली चार्ट में तो 20 EMA तक बैंक निफ्टी इंडेक्स हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी 35,029 इस समय 20 EMA यहाँ पर प्लेस है। यहाँ तक अगर ये ब्रेक होता है 23.6% का ये जो लेवल है तो यहाँ तक हमें बैंक निफ्टी आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो, 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। इंट्राडे लेवल्स क्या होंगी मंडे के लिए उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है एग्जैक्ट इसी के पास आके रुका है, आज पॉज लिया है और यहाँ से एक रिकवरी का कैंडल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, सेम बुलिश हरामी जैसा लग रहा है ये। और अगर इसका लो अगर ब्रेक होता है, आप देख सकते हैं पास्ट में भी किस तरह से इसको सपोर्ट टेस्ट किया इस लेवल को, एक यहाँ पे, ये दूसरा, ये तीसरा, और यहाँ से फिर बाउंस बैक हुआ। तो 35,579 को अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35,436, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35,315, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, काफ़ी ज़बरदस्त बियरिश कैंडल स्टिक यहाँ पर बना हुआ है, तो इसका हाई वो कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए कंफर्टेबली, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर मंडे के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 36,206, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 36,110 के ऊपर सस्टेन करता है तो, और तभी हमारा सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 36,310, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए मंडे के लेवल्स इंट्राडे के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हमारे जो इंट्राडे टेलीग्राम चैनल्स है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पर इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।